हाय फ्रेंड्स, किचन क्वीन चैनल में आपका स्वागत है। मैंने बनाया है आज लौकी के पकौड़े, एकदम तीखी वाली चटपटी सी, और ये झटपट बन जाती है और ये दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं नाश्ते में। तो चलिए बनाते हैं हम लौकी के पकौड़े और आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। थैंक यू सो मच। लौकी के छिलके उतार करके हमने इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले में हमने लिया है गोलकी, जीरा, लहसुन और मिर्ची। इसे ग्राइंडर कर लेंगे हम। मसालों को मैंने ग्राइंडर कर लिया है, तो इसे हम चम्मच की मदद से दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। मसाले हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालते हैं बेसन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। ज़्यादा घोल पतला नहीं करनी है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी घोल लेंगे। हल्के हल्के पानी देके घोलेंगे इसे। ये देखिए बेसन और मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करके घोल बना लिए। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी दिख रही है, लग रही गाढ़ी है। अब इसमें एक दो चम्मच पानी और डाल लेंगे। इस तरह का घोल तैयार करेंगे। इसका जो लौकी का हम पकौड़ा बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और चटपटी होगी, आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए हम बनाते हैं लौकी के पकौड़े। लौकी इसमें हम डिप कर लेंगे 5 मिनट के लिए। डिप करके इसमें लौकी को छोड़ देंगे से। जैसे आप मैरिनेट करते हैं ना कोई चीज़ों को बनाने से पहले, जैसे चिकन हुआ, पनीर हुआ, आप पकौड़ा बनाने के लिए टेप करते हैं, उस तरह से इसको हम 5 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे ढक्कन लगा करके। तो तलने के लिए गैस स्टोव पे हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों के तेल। तेल गरम होने पे कुछ पकौड़े तलेंगे लौकी के। तेल गरम हो गई है तो इसमें हम लौकी डाल रहे हैं जो हमने घोल में डुबा करके रखे थे। आप ना इस घोल में लौकी हुआ, आलू, बैंगन, गोभी, किसी का भी पकौड़ा बना सकते हैं। ऐसे घोल तैयार करके एकदम चटपटी सी ये होती है। और बच्चों की अगर खानी है तो आप मिर्ची और गोलकी कम कर दीजिए, क्योंकि बहुत तीखी लगेगी, बच्चे खा नहीं पाएंगे हमारे। इसमें ना गोभी के और आलू के पकौड़े और ही टेस्टी लगते हैं। आप भिंडी का भी इसमें बना सकते हैं। अच्छे से भिंडी को धो करके 2 टुकड़ों में काट लीजिए और टैप करके इस तरह से इसी गोल में आप बना सकते हैं और भी तरह के पकौड़े। हमारे पकौड़े तल रहे हैं, आप मेरी वीडियो पूरा देखा करिए, मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए। एक तरफ पकौड़ा हमारा तल गया है तो हम इसे पलटी कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से पलट लिए हमने। दूसरी तरफ से सिर से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसी सॉस के साथ, चटनी के साथ, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। एकदम चटपटी सी तीखी सी बनाई है मैंने। आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों तरफ से पकौड़े हमारे तल गए हैं, तो देखिए एकदम कुरकुरी सी हुई है, बहुत टेस्टी। तो हम गैस स्टोव को बंद कर देते हैं और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं।